देश की राजधानी के आज हम आए हैं कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड में, जहां आपको दिखाएंगे कि विकास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हर क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जहां नगर निगम भी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी कवायद को फेल करते नजर आ रहे क्षेत्रीय पार्षद और जन प्रतिनिधि। जहां आज हम आपको लेकर आए कन्हैया माधवपुर वार्ड में सड़कों का हाल दिखाने कि किस तरह से सड़कें खस्ता है, लंबे समय भी बीत चुका है। जहां देखना ये कि क्षेत्रीय पार्षद ने क्या इन सड़कों का कभी जायज़ा लिया या किस तरह का विकास कार्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस वार्ड में कराया गया। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं और उन्हीं से जानेंगे कि क्या विकास इस जगह तक पहुँच पाया है। सर, क्या नाम है मैडम? ये हम तो 15 साल हुआ है ना, ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ। तो सड़कों के लिए सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि सरकार विकास के कार्यों की बात करे कि विकास हो रहा है? हम तो यही कह रहे हैं कि सड़क बनना चाहिए। जाते तो हैं भाई, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे कि सड़कों के लिए कितनी बार कंप्लेन की और क्या मिला आश्वासन। रोहित प्रजापति, ये सुनकर नगर जी, मतलब कोई सुनवाई नहीं, क्षेत्र कोई सुनवाई नहीं, नहीं विधायक भी नहीं आते ना, कोई सांसद नहीं, कोई नहीं आया सर। हम लोग अगर उनके पास पहुंचते हैं तो वो लोग कोई वो चुनाव उनाव में आते हैं। हाँ, चुनाव में आते हैं। हाँ, पर चुनाव में आते प्रचार, हाँ देखते, बोलते हैं बनवा देंगे, मलबा डलवा देंगे, लेकिन कोई कुछ कार्यवाही कोई नहीं कुछ। क्षेत्रीय जनता है, लोग हैं हमारे साथ जिनसे बारी बारी हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या विकास इस सुंदर नगर में कन्हैयापुर माधवपुर वार्ड में पहुँच पाया। सर, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। बताइए कब से रह रहे हैं? सर, मैं यहाँ करीब 12 सालों से रह रहा हूँ। 12 साल से सर उसमें कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। अच्छा, बरसात वगैरह में क्या कीचड़ या पानी ऐसा कुछ भर जाता है तो आप लोग आते जाते हैं? बरसात में यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है और तरह तरह की बीमारियाँ जो हैं पनपती हैं और यहाँ के निवासी जो है उससे जूझते हैं। तरह तरह की बीमारी, इस तरह की बीमारी, यहाँ आदमी निकल ही नहीं सकता है सिर्फ पैदल के अलावा। सरकार जिस तरह से कह रही है और नगर निगम लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहा है, क्या लगता है आपका इलाका स्मार्ट बन पाया? कभी नहीं, हमें तो नहीं लग रहा 12 साल में कोई ना, कभी नहीं, यहाँ कोई नगर निगम कोई कर्मचारी तक तो आता नहीं है, तो कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी? और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, और भी लोग हैं जिनसे बारी बारी से जानेंगे कि क्या स्मार्ट सिटी बन पाई है ये इलाका। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम प्रमिला पांडे है। बताइए सड़कों का हाल है। मुझे लमसम यहाँ रहते 15 साल हो गए हैं और जब 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, ये सड़कें 15 साल से सड़कें तो छुड़ी, यहाँ की गलियाँ तक नहीं बनी हैं। आज तो ये हाल है कि आप इस समय आए हैं, बिल्कुल सूखा है। अब अगर ये बरसातों के टाइम पे आइए तो यहाँ से आपको निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। और हम लोग क्षेत्रीय पार्षद या विधायक चुनाव के समय जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या कोई भी एक दावा वादा आप लोगों के वार्ड में? जी नहीं, अभी तक ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं कि यहाँ की जो है रुखसाना बेगम जो है जी, नहीं हमने कभी उनको देखा भी नहीं है। आते हुए हम आना तो दूर, उनका नाम ही बहुत जल्दी ले नहीं पाते हैं। मतलब अभी तक विकास आपके जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे, एक अंकल जी हैं, उनसे पूछेंगे कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये सुंदर नगर जो इलाका है क्या वाकई सुंदर बन पाया या कभी बन पाएगा? सर, क्या नाम है आपका? हमारा भैया नन्हा प्रजापति नाम है। कब से रहते हैं? हम 2004 से, हम 17 दिसंबर 2004 2004 और परिवर्तन इतना आ गया है कि अब गड्ढे गड्ढा सब नज़र आ रहे हैं और पहले तो खरंजा बिछा रहा है, उसके बाद जो है ये खोद खाद के सब सीवर वाले डाल गए। विधायक हैं आपके सुरेश जी, वो कभी आते हैं आप लोगों से बातचीत करने? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं भैया, चुनाव में भी नहीं आए। चुनाव में वोट वोट लेने आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए। नहीं, तो वोट कैसे देते हैं? वोट हम लोग को खाली कमल का दी थे बस, कमल को देते हैं, लेकिन बस। कमल आप लोगों के क्षेत्र में विकास नहीं कर? नहीं, कमल कोई विकास नहीं किए सब तक के। वादा किया था उन्होंने सड़कों के लिए? जब अभी नहीं किया तो सड़कन का वादा का करी है? अच्छा,
तो जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कभी वादे करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनसे कभी उनकी जनप्रतिनिधियों की मुलाकात ही नहीं हुई, वो जानते ही नहीं कि वो आए भी थे वोट लेने के लिए। सर क्या नाम है? मुझे एस के गुप्ता कहते हैं। सर कब से इस सड़कों के हाल है सर? मैं तो 4 साल से हूँ, 4-5 साल। सुंदर है ना? नाम बदल देना चाहिए। अरे बदल क्यों देना चाहिए, नाम सुंदर है तो सुंदर होना चाहिए। इलाके को सुंदर बनाने के लिए कभी विधायक या पार्षद या सांसद कभी किसी के पास आप लोग गए मिले और किसी ने क्या कहा? हमको विधायक के पास ले गए थे तो इन लोगों को तो पहचाने नहीं, हमको तो पहचान गए। अच्छा, विधायक तो जनता को नहीं पहचानते वोट के बाद, है ना? जो निगम जी गए थे सबको लेके, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचाने, हमें पहचान गए। मैं मध्य क्षेत्र का था, मध्य क्षेत्र में भी ये इलेक्शन लड़े थे तो हमारे ही पास आए थे। अच्छा ये बताइए, आपसे इतना अच्छा परिचय था विधायक का, तो सड़क बन गई होगी सड़क के लिए कुछ पास वास? नहीं, नहीं, वो इधर आए नहीं, वो कहे इस इलाके को मैं नहीं जानता हूँ, इनके सबके सामने कहा था और मैंने कहा भी था कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो सुंदर सुंदर नगर को सुंदर बनाने की कवायद, वादे तो जनप्रतिनिधि लगातार करते हैं लेकिन ये सुंदर नगर उतना सुंदर दिखने में नहीं है। सर क्या नाम है? विजय कुमार पांडे। कब से हालत खराब है इस इलाके की? 15 साल से लेकर 15 साल से ऐसे ही है। इतने पार्षद आए गए आप लोगों के सामने और क्या क्या वादे किए, क्या वो वादे आज तक एक भी वादा पूरा? कोई वादा नहीं पूरा। सीवर लाइन पड़ी थी, जल्दी पड़ी? नहीं नहीं, सीवर लाइन तो हो गई 2-3 साल। सड़कों पर कभी चर्चा हुई आप लोगों की, क्षेत्रीय पार्षद सांसद विधायक किसी से? बिल्कुल, सबसे सबके हम लोग गए हैं मोहल्ले में, सब कहते आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन कभी आप लोग का जायजा नहीं लिया? सुरेश श्रीवास्तव बिल्कुल इस एरिया में नहीं आते, कहते हैं हमको पता ही नहीं कहाँ एरिया, आज तक यहाँ नहीं आए, खत्म भी रखा नहीं अब बिल्कुल। अच्छा अच्छा, क्या लगता है ऐसे जनप्रतिनिधि सरकार की छवि को खराब कर? बिल्कुल बिल्कुल, 100% बिल्कुल ठीक है। तो ये थे सुंदर नगर के मोहल्ले के लोग जिनसे हमने जाना कि कब से सड़कों की हालत खस्ता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी स्मार्ट सिटी तो नहीं लेकिन सुंदर नगर को बदसूरत बनाने में जुटे हुए हैं जनप्रतिनिधि, जहाँ उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक सुरेश श्रीवास्तव ने वादा किया था कि इस क्षेत्र को और अपने इलाके को लगातार वो चमकाने का कार्य करेंगे, जिस हिसाब से जनता ने भी उनको समर्थन दिया और उन्हें क्षेत्र का विधायक बनाया। लेकिन सुंदर नगर वार्ड और कन्हैया माधोपुर वार्ड द्वितीय में जहां आज आपको लेकर आए थे, यहां अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वादे और दावे को खोखला कर रहे हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। देख रहे होंगे सर पे हमारे जो है ये तार है और कितने नीचे तार लटक रहे हैं, और जहाँ पर सड़कों की हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ एक अंकल हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितने साल से वो रह रहे हैं और किस तरह के वादे प्रलोभन जो नेता और राजनीतिक पार्टियां उन्होंने दिया, क्या सुंदर नगर को सुंदर बना पाए। रामदयाल त्यागी। कब से रहते हैं? हम यहाँ 2002 से रह रहे हैं। 2002 से, लंबा समय हो गया। हाँ जी। क्या सड़कों का शुरुआती दौर से ऐसे ही रहा जब से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ शुरुआत से ही कुछ नहीं था, ना बिजली ने खंभा कुछ नहीं था, और बिजली बत्ती एक वो पहले बसपा सरकार में बना था तब इका लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। बसपा सरकार ने खंभे लगा थे? हाँ, खंभे ट्रांसफार्मर लग गया था तभी से, और उसके बाद में अभी सपा सरकार में ये सीवर लाइन बिछी है, और भाजपा सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ। भाजपा सरकार में कोई जो क्षेत्रीय विधायक है कभी गए आप लोग मिले? क्षेत्रीय विधायक को न कोई जानता है न कोई देखा है किसी ने, न कोई आज तक वो न आए हैं यहाँ कभी घूमने। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार अगर यहाँ का विकास कराए तो जनता को अच्छा लगे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा है। तो ये थी कन्हैया माधोपुर वार्ड की जनता जिनसे हमने जाना कि बड़ी समस्या से कब से जूझ रहे हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना लंबे समय से कर रहे हैं, जहां क्षेत्रीय जनता ने बताया कि जनप्रतिनिधि कभी इस वार्ड में सुध लेने जनता की नहीं आते। जी हां, वादा तो बड़े बड़े करते हैं कि जब हम जनप्रतिनिधि, हम विधायक बनेंगे, हम सभासद बनेंगे, हम सांसद बनेंगे तो क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन अभी तक लगता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लखनऊ को स्मार्ट सिटी
बनाने का नगर निगम का सपना, ये सभी सपनों को तोड़ते नजर आ रहे हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जहां बड़े नाम सामने आए क्षेत्रीय पार्षद के और क्षेत्रीय विधायक के। विनेश शिवम के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा।